प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत अमृत महोत्सव और बिहार विधानसभा भवन शताब्दी समापन समारोह में भाग लेने के लिए 12 जुलाई को पटना गए थे, जहां पीएम के कई तरह के प्रोग्राम्स तय थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के आगमन पर पटना को दहलाने की साजिश रची गई थी? इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज अलर्ट मोड पर थी और समय रहते ही इन एजेंसीज को इस साजिश का पता चल गया और एक बड़ी साजिश को अंजाम देने से पहले ही असफल कर दिया गया। वहीं फुलवारी में गिरफ्तार दोनों अतहर परवेज और जलालुद्दीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना आगमन के समय पटना को दहलाने की साजिश रची थी। समय रहते इन एजेंसियों को साजिश का पता चला। आईबी के इनपुट पर स्थानीय पुलिस एक्टिव मोड पर आई और साजिश रचने वाले परवेज और जलालुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि इन दोनों के संबंध चरमपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई से बताए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि इनके कब्जे से कई आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि दोनों आतंकी साल 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने और मुगलों का राज फिर से स्थापित करने की दिशा में काम कर रहे थे। दोनों मार्शल आर्ट के नाम पर हथियार चलाने का ट्रेनिंग कैंप चला रहे थे। ये दोनों एक समुदाय विशेष के लोगों को आतंकी प्रशिक्षण देने का काम कर रहे थे। वहीं पटना के एसएसपी ने कहा, हम रूटीन काम के दौरान ऐसे संस्थाओं यानी कि पीएफआई पर नजर रखते हैं। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आते ही हम अलर्ट थे। हमें इस आतंकी मॉड्यूल की जानकारी मिली थी, इसके बाद हमने बारीकी से जांच शुरू की। एसपी ने आगे बताया, दोनों ने फुलवारी शरीफ के नया टोला अहमद पैलेस को ट्रेनिंग कैंप बनाया था। वहीं पर वो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के नाम पर देश के अलग अलग राज्यों से समुदाय विशेष के युवकों को बुलाते और उन्हें आतंकी गतिविधि की ट्रेनिंग देते। पिछले 2 महीने से आरोपियों के पास दूसरे राज्यों के लोग आ रहे थे। आने वाले लोग टिकट बुक करते समय और होटल में रहने के दौरान अपना नाम बदल रहे थे। दोनों आतंकियों के पास से 8 पेज का विजन पेपर मिला है, जिसमें साल 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात कही गई है। वहीं सुनिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पटना के सांसद रामकृपाल यादव का इस पर क्या कहना है। पूरा देश सतर्क है, शासन सतर्क है और हमारा राज्य भी सतर्क है और रहेगा। और इस तरह की कोई भी गतिविधि में संलिप्त कोई भी संगठन होगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, छोड़ा नहीं जाएगी। आखिर में आपको बता दें, अतहर परवेज और जलालुद्दीन को कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस ने परिजनों की नजर बचाकर बुधवार की देर रात बेउर जेल भेज दिया। जेल में दोनों को विशेष सेल में रखा गया है। देर शाम पुलिस ने जब जलालुद्दीन को थाने पर बुलाया और उसे लेकर तेजी से निकल गई, तभी परिजनों को इस बात का शक हो गया। जलालुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया है, ऐसा उन्हें मालूम हो गया। परिजन पुलिस का पीछा कर रहे थे। पुलिस दोनों को गर्दनी बाग थाना ले गई थी, उनके परिजन भी वहां पहुंच गए। इसके बाद पुलिस ने दोनों को वहां से निकाला और रास्ते में ही सारी कागजी कार्रवाई पूरी करते हुए दोनों को न्यायालय में पेश कर दिया, जहां से दोनों को बेउर जेल भेज दिया गया। हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष।